एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम ऊपर बात करेंगे जो विंसी प्रीमियर लीग टी10 का आज के दिन का दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा डार्क व्यू एक्सप्लोरर वर्सेस ला साउप्रिय हाइकर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। 12 बजे मैच स्टार्ट होगा, रात में मैच खेला जाएगा, सेम ग्राउंड पर बैलेंस सरफेस रहता है, एवरेज स्कोर 100 से 120 और यहां पर चार मैचेस हुए हैं और चारों के चारों बैटिंग फर्स्ट कन्वर्ट टीम ने जीते हैं। अब देखो, पहले बात कर लेते हैं ले साउप्रिय हाइकर्स की टीम की। तो इनकी टीम ने एक मुकाबला खेला था और वो मुकाबला इनकी टीम यहाँ पर हार गई थी। ओपन किया था जोनाथन कार्टर और कार्टिन लाबिया ने। जोनाथन कार्टर जो है एक ऑलराउंडर प्लेयर है जो कि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें करके देगा। पहले मैच में 20 रन किए इसने, एक ओवर डाला, हालांकि विकेट लेस था लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा। टी20 में इसके नाम 93 मैच में 1528 21 का एवरेज, 6 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2-1 विकेट, 9-5 विकेट, 8-0 विकेट, 45-0 विकेट है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कार्टिन लाबिया भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, 12 रन 0 विकेट था पहले मैच में, एक ओवर डाल के 38 टी10 में 229 रन 28 विकेट इसके नाम है 49 ओवर डाल के। जेहिल वॉल्टर्स ने 7 रन किए थे, 38 टी10 में 101 रन है, उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। टीम का कैप्टन जरूर है लेकिन उतना खास रिकॉर्ड नहीं। उर्नेल थॉमस लास्ट मैच में नंबर 4 पर खेला था, कभी कभी ये ओपन भी कर लेता है, लास्ट मैच में सिर्फ 9 ही रन कर पाया था, 33 टी10 में 346 रन 14 का एवरेज है। रेसवान लेविस वैसे तो देखो उतना खास प्लेयर नहीं है लेकिन लास्ट मैच में बहुत तगड़ी पारी खेली थी, 44 नॉट आउट की, तो आप बिल्कुल टीम में रख सकते हो अगर इसकी टीम पहले बैटिंग करे। लैरी एडवर्ड्स एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर, 4 रन 1 विकेट था टी10 में, इससे पहले 11 मैच में 44 4 विकेट है। जेरमी हेवुड इसको देखो पहले मैच में 0 रन किया, बॉलिंग इसको पहले मैच में मिली नहीं थी, 28 टी10 में इसके नाम 17 विकेट है, 45 ओवर डाल के बॉलिंग करवा सकते हैं लेकिन पहले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी। ओजे थॉमस ने एक नो डाउट किया था, इसको भी बॉलिंग नहीं मिली थी, 24 टी10 में 15 विकेट है 24 ओवर डाल के। फिर आएंगे ऐसे रयान विलियम्स जिन्होंने एक विकेट यहाँ पर निकाला था, अच्छे बॉलर है, 35 मैच में 28 विकेट है 44 ओवर डाल के। एलियन सीजर पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी, टी10 में 6 मैच में 0 विकेट है। एंड्रे हंट ने एक विकेट यहाँ पर निकाला था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, स्पिनर हैं तो विकेट लेने के चांस रखता है। यहाँ पर अगर आपको सेफ जाना है तो आप बिल्कुल यहाँ पर जोनाथन कार्टन, कार्टन लाविया, इनके अलावा रेसवान लेविस, लेरी एडवर्ड्स, रयान विलियम्स और एंड्रे हंट को रख सकते हो। एंड्रे हंट की जगह अगर आप रिस्क ले सकते हो ना तो आप यहाँ पर जेरमी हेवुड या फिर ओजे मैथ्यूज में से किसी को पिक कर सकते हो। बाकी इनकी टीम थोड़ी सी वीक है, बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनके उनमें से कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स में आपको शेयर कर दूंगा। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे रयान विलियम्स, लैरी एडवर्ड्स, जोनाथन कार्टर, डेथ में आएंगे आर विलियम्स, लैरी एडवर्ड्स के लाविया। अब बात करेंगे दूसरी टीम डार्क व्यू एक्सप्लोरर की टीम। इनकी टीम भी पहला मुकाबला हारी थी, ओपन किया था रोमानियो पियरी और डेरॉन ग्रिव्स ने, दोनों बढ़िया प्लेयर हैं। रोमानियो पियरी पहले मैच में जरूर जल्दी आउट हुए एक रन पर लेकिन ओवरऑल 38 टी10 में 516 रन है, एक्सपीरियंस है टी10 का। डेरॉन ग्रिव्स ऑलराउंडर प्लेयर है, 33 नॉट आउट एक विकेट था, 35 मैच में 581 24 विकेट है। सेड्रिक डेस्कार्ट्स 59 एक विकेट किया, बहुत शानदार ऑलराउंडर, 11 टी10 में 192 रन 5 विकेट है 16 ओवर डाल के। टिलरॉन हैरी विकेट कीपिंग सेक्शन में है, 13 नॉट आउट जरूर किया था, स्टार्ट मिला था, बड़ी पारी नहीं खेली थी, नॉट आउट रहा था। बात आएंगे ऐसे चेल्सन स्टो, इन्होंने सिर्फ एक ही ओवर डाला था, ज़्यादा बॉलिंग इनको नहीं मिली थी, 21 मैच में 9 विकेट है इनके नाम। सिलरॉन विलियम्स ये भी एक लेग स्पिन बॉलर है, एक ओवर डाला था विकेट लेस था। अब देखो इनको ना लोग इग्नोर करेंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि स्पिनर है और 39 मैच में 37 विकेट है तो एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे विकेट्स निकाल चुका है। डेंसन होइटे विकेट लेस रहा था, 28 मैच में 11 विकेट है। कैंसन डेलजले इन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे, अच्छी बॉलिंग कराई थी, 19 मैच में 10 विकेट है। नीचे से यहाँ पर के फ्रैंकली खास रिकॉर्ड नहीं, रेनोल्ड हिलॉक्स इनको भी बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली, 7 मैच में 3 विकेट इनके नाम है 7 ओवर डाल के। और ट्रेविस को भी बैटिंग बॉलिंग यहाँ पर नहीं मिली थी। यहाँ से देखो अभी के लिए आप पिक कर सकते हो रोमानियो पियरी, डेरोन ग्रिव्स, सेड्रिक डेस्कार्ट्स, इनके अलावा आप नीचे से यहाँ पर डेंसन होइटे और कैंसन डेलजले को रख सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टार्ट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे डी ग्रिव्स के डेलजले, डेथ में आएंगे डेंसन होइटे, एस डेस्कर्ट्स, एस विलियम्स।
एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से आर लेविस को रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने आर पियरी और डैनसन होइटे को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने जे कार्टर, लेरी एडवर्स, के लाविया और डी ग्रिव्स को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर रयान विलियम्स को रखा है, के डलेजल को रखा है, डेस्कर्ट्स को रखा है, हंट को रखा है, कैप्टन एस डेस्कर्ट्स, वाइस कैप्टन डी ग्रिव्स हैं। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी टेलीग्राम चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।